नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अमलेंद्र और आप देख रहे हैं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ रजिस्ट्रेशन नंबर 25/65/11। दोस्तों, ये चैनल आपका है और इस चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब हर साल शिक्षक पात्रता परीक्षा TET होगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से तैयारी करने का निर्देश दिया है। बुधवार को शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए हर साल TET सुनिश्चित कराया जाएगा। मंत्री ने दो टूक कहा, शिक्षा गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे अभ्यर्थियों को ग्रेस देने के सवाल पर कहा कि इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शिक्षकों की कमी दूर कैसे होगी, इस सवाल पर कहा, हर साल TET का आयोजन होगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली करने में परेशानी नहीं होगी। राज्य में पहली बार 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा ली गई। इसमें प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित दोनों कोटि के अभ्यर्थियों को मौका दिया गया। इस कारण प्रारंभिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में 25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे और 1.21 लाख अभ्यर्थियों ने उत्तीर्णता हासिल की थी। दूसरी TET 2017 में 2.43 लाख प्रशिक्षित शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षक पात्रता परीक्षा दी थी। इसमें लगभग 37,000 ही उत्तीर्ण हो सके। उत्तीर्णता के लिए 60% अंक अनिवार्य रखा गया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अब हर साल TET का एग्जाम लिया जाएगा। उम्मीद है कि 2018 में भी TET की बहाली हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।